ये फिल्म में मैं एक बंगाली कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और मैं बंगाली हूँ बेसिकली. आई एम फ्रॉम कोलकाता. आई हैव डन मेनी बंगाली फिल्म्स एंड तेलुगू फिल्म्स. तो फर्स्ट टाइम ये मैं हिंदी मूवी कर रही हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट इसलिए किया है डायरेक्टर क्योंकि मेरी टूटी फूटी हिंदी सबसे अच्छी लगी उनको, ताकि बंगाली बोलने भी वाली हूँ मैं ये फिल्म में हिंदी डायलॉग के साथ साथ, जो सबको अच्छा लगेंगे. और रियल कैरेक्टर है और मेरा जैसा कैरेक्टर है, मैं खुद ऐसी ही हूँ चुलबुली टाइप की, तो इस फिल्म में भी ऐसा ही है चुलबुली टाइप की. और जो हीरो है, हीरो को सपोर्ट करती है हमेशा. फर्स्ट हाफ में देखा जाएगा कि मैं बहुत एक चुलबुली टाइप की लड़की हूँ और ये लड़की बाद में जब प्यार में आ जाती है और हीरो को सपोर्ट करती है, उसके बाद ये सीरियस हो जाती है, एक रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, एक रिस्पॉन्सिबल गर्लफ्रेंड एज ए. तो ऐसा मेरा किरदार है. अच्छा, इसके अलावा जो है बॉक्सिंग के ऊपर फिल्म है, तो फिल्म में आप भी एक्शन करते हुए दिखाई देंगे, एक्शन को लेकर क्या प्रिपरेशन किया आपने? इस फिल्म में बहुत ज़्यादा एक्शन मेरा तो नहीं है, हीरो का एक्शन है. और सबसे अच्छा लग रहा है कि ये स्पोर्ट्स मूवी है, ये एक मैसेज है सबके लिए मेरे ख्याल से. और फैमिली भी है इसमें, फैमिली स्टोरी है, फैमिली बैठ के देख सकते, सब देख सकती है ये फिल्म. ऐसा हमारी फिल्म में कोई वल्गरिटी नहीं है, रोमांस है, फैमिली ड्रामा है, एक्शन है, बहुत कुछ है, बहुत अच्छा अच्छा मैसेज मिलने वाले हैं. इसके अलावा बॉलीवुड में एंट्री करने वाले हो, कोई इंस्पिरेशन है बॉलीवुड में? इतनी सारी एक्ट्रेस है, इतने अच्छे अच्छे, तो एनी इंस्पिरेशन? ऑब्वियसली माई फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण. और इस फिल्म का थोड़ा सा शेड्स ऐसा ही है कॉकटेल का, दीपिका जैसी थी एकदम बिंदा स्कूल टाइप की वैसी है. खैर किसी के साथ कंपेरिजन तो है नहीं, तो मैं अपने जैसा तैयारी कर रही हूँ. एक शेड्स होता है कैरेक्टर का, तो मैं सोचती हूँ कि एज ए पैमेला मैं ये शेड्स प्ले कर रही हूँ. प्रिया बैनर्जी मेरा कैरेक्टर का नाम है बंगाली, तो शायद सबको अच्छे लगने वाले. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि दिस इज़ माई फर्स्ट हिंदी मूवी. थैंक यू. क्योंकि बॉक्सिंग के ऊपर फिल्म है, तो कितना मुश्किल या आसान रहा आपके लिए? नहीं, बहुत ही अच्छा है. और जब जिस काम से जुड़े होते हैं तो वहाँ पर कुछ भी मुश्किल और आसान नहीं होता, बस काम काम होता है. और जुनून से काम करते हैं तो काम अच्छा ही होता है, एंजॉय करते हैं हम. फिल्म के म्यूज़िक के बारे में बताइए, किस तरह का म्यूज़िक होगा? बहुत मतलब जो आजकल चलते हैं, जैसे यंगस्टर के लिए, गिस्तान के लिए कहें, तो संजीव दर्शन जी ने बहुत ही अच्छा म्यूज़िक दिया है और बिल्कुल दिल को छूने वाला, चाहे वो थीम सॉन्ग हो या कंपोजर, ये आइटम सॉन्ग हो या रोमांटिक हो, सब लाजवाब है, बहुत ही अच्छा. जी मैम, और पायल देव जी के साथ आप अभी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा? बहुत अच्छा, वेरी कूल है, वेरी टैलेंटेड, इज़ वेरी टैलेंटेड. सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार उनके साथ काम करने को मौका मिला है, तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. दो लाइन अगर वो गाने की हो जाए. वो हैरम हैरम वेरी रोमांटिक और वेरी वेरी नाइस लाइन, सो आई एंजॉय, आई थिंक सारे दर्शक भी इंजॉय करेंगे. थैंक यू सो मच.